राजकीय महाविद्यालय बाप के प्रथम छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर लहराया भगवा। एबीवीपी की सीमा पालेवाल 18 वोट से हुई विजय। बाप राजकीय महाविद्यालय में प्रथम बार हुए छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने विजय दर्ज करते हुए भगवा लहराया। वही महासचिव व संयुक्त सचिव पद पर एसएफआई के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। बुधवार को प्रातः 11 बजे मतगणना प्रारंभ हुई, जो करीब 1 बजे तक चली। इस दौरान कॉलेज परिसर के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों का भारी जमावड़ा रहा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉलेज परिसर के आगे पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बाप कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की सीमा पालेवाल ने 18 वोट से जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के देवेंद्र पाल सिंह ने 52 वोट से जीत दर्ज की। महासचिव पद पर एसएसएफआई की मनीषा पवार ने 6 वोट से तथा संयुक्त सचिव पद पर एसएसएफआई के कमल किशोर ने 3 वोट से जीत दर्ज की। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी तथा महासचिव व सचिव पद पर एसएसआई के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। एनएसयूआई के प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। मतगणना के दौरान चुनाव अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर केसर मिल, सीआई कैलाश दामचारण, कांस्टेबल रमेश विश्नोई सहित पुलिस जाब्ता उपस्थित था। अध्यक्ष पद पर जीत के बाद सीमा पालेवाल के समर्थकों ने बाप के मुख्य बाजार में पटाखे छोड़कर जीत का जश्न मनाया। भाजपा मंडल अध्यक्ष किशन लाल पालेवाल, सीमा जन कल्याण समिति फलोदी, जिला उपाध्यक्ष खेराज खत्री, सरपंच पूनम पालेवाल, चाकू सरपंच वीर सिंह राठौड़, भाजपा नेता अमृत छतानी, मोती पालेवाल, सुरेश खत्री, मधुसूदन दर्जी, कृषक मित्र महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक सिया राम विश्नोई, आरएसएस बपखांड कार्यवाह पुखराज पालेवाल ने पालेवाल की जीत पर खुशी जताई।